नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पिंडवाड़ा थाना पुलिस ने पति पत्नी की हत्या का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने उदयपुर के मांडवा थाना निवासी उदाराम व पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के आमली निवासी भूराराम को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी भूराराम द्वारा दूसरे आरोपी उदाराम को 15,000 रुपये का लालच एवं दोस्ती का वास्ता देकर हत्या करवाई। 2 साल पूर्व मृतका के आरोपी भूराराम के खिलाफ पिंडवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था। आरोपी से बदला लेने की नीयत से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने प्रेस वार्ता में हत्या की वारदात का खुलासा किया। पिंडवाड़ा सीआई हमीर सिंह भाटी सहित टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 जुलाई को पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के झड़ौली बाईपास पर पिपलिया कृषि कुएं पर ये पति पत्नी की हत्या हुई थी। मृतका थी उसने 2 साल पहले पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में भूरा राम नाम का आदमी था, जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का एक मामला दर्ज करवाया था। और छानबीन में जब ये चीज़ निकल के आई, फिर हमने उस आदमी को ट्रैक किया और फिर इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ। इसमें टोटल 3 लोग शामिल थे, जिसके अंदर जो मेन कॉन्स्पिरेटर है वो है भूरा राम ने फिर एक उदाराम बील करके है उसको उसने रेडी किया कि मैं तेरे को 15,000 रुपये दे दूंगा, तेरे को ये काम करना है। और जिस रात को ये घटना हुई है, उस रात को शाम को इन्होंने ढाबे पे बैठ के दारू वारू पी, नॉनवेज वगैरह खाया, उस रात को ये और एक नाबालिग लड़का है, उन दोनों ने उस कुएं पे जाकर इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। इनको राउंड अप किया जा चुका है और अभी इसको प्रोटेक्शन बांट पे लेके और बाकी जो हमारी और जो इसका रिकवरी का प्रोसेस है वो हम करेंगे। सर, इसमें कोई एंगल है क्या? का भी रिपोर्ट हमारी गई है, ठीक है, मेडिकल डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा, क्योंकि उसके वाइटल पार्ट में चोट थी, इंजरी थी। अब उसके साथ रेप है कि नहीं है वो अभी तक क्लियर नहीं है, वो हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद में वो चीज़ क्लियर हो गई। सर, इसमें कौन से हथियार यूज़ किया गया था? हथियार जो भी हमारे को बता रहा, चाकू यूज़ किया गया है, क्योंकि एक हथियार हमारे को वहाँ भी मिला था, वो वेपन इसमें यूज नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कोई हमारे को ब्लड स्टेन वगैरह नहीं मिला। पुराना था वो, ठीक, जंग खाया हुआ उसी कुएं में, लेकिन वो वेपन यूज नहीं हुआ। हाँ, ये गर्भवती थी, माँ का तो अभी 7 से 8 वीक के आसपास की महिला प्रेगनेंट थी। ये इन दोनों की ही दूसरी शादी थी, जो आदमी था उसकी दूसरी शादी थी और ये जो मृतका थी इसकी दूसरी शादी थी। इसमें जो नाबालिग भी आप बता रहे हो शामिल था, क्या उसको भी दस्तयाब किया गया? नाबालिग को आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसको दस्तयाब करेंगे।